नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम व्रत स्पेशल नाश्ता बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। यहाँ पर हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, एक कप साबुदाना डालेंगे। अगर इसमें आप डस्ट लगती है, गंदगी दिखती है, तो इसको आप साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, बढ़िया से फैला के, रगड़ रगड़ के। तो ये देखिए, हमने पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। बिना भिगोए साबुदाने को पीसना है। तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए दो हरी मिर्च हमने लिया है काट कर, और एक मीडियम साइज़ की आलू काट कर धो कर ले लिया है। इसे भी ऐड कर देते हैं मिक्सी में। इसमें आधा कप पानी डालेंगे, आधा कप पानी डालकर ही पीसिए। ये कंसिस्टेंसी में थोड़ा ठीक रहता है और साबुदाना बहुत हार्ड रहता है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ये सीधा नमक है। आप ब्लैक नमक, सेंधा नमक जो खाते हैं वो यूज कीजिएगा। ये देखिए, बढ़िया बैटर बन के तैयार हो गया है आलू साबुदाने का। साबुदाने को पीसना बिना भिगोए। तो ये देखिए, हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। हमारा व्रत होता है तो हम साबुदाना भिगाना भूल जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आज हमने ये नया स्पेशल नाश्ता लेके आई हूँ बिना भिगोए। तो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे हम फेंट लेते हैं। इस तरह से फेंटिए जिससे इसमें लम्स ना रहे। वैसे लम्स नहीं रहता है, लेकिन इसको थिक होने के लिए हम 5 मिनट फेंटेंगे। ये थोड़ा सा फूल जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम छोटे बड़े जैसे पीसेज आपको पसंद है वैसे डालिए। ये देखिए, तेल हमारा अच्छा गरम हो गया था, बबल्स आने लगे हैं। जैसे हम पकौड़ी काटते हैं उसी तरह इसको काटने हैं, छोटे छोटे। ये तेल में जाके फूलते हैं, थोड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। इसको छोटे छोटे ही काटिएगा तेल में। तो हमने काट लिया सारा, और सारा हो चुका है मेरा। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा। ऊपर से कितने क्रिस्पी क्रंची दिख रहे हैं, अंदर से कुक हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिना झंझट, बिना भिगोए साबुदाने के नया नाश्ता बन के रेडी है। इसी तरह हम दूसरा बैच तलेंगे। तो अब इसको हम सब पैन के अंदर डालेंगे सारे पकौड़े। इसे हम साबुदाने की पकौड़ी भी कह सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे, व्रत है, फटाफट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप ये लंच बॉक्स में भी पैक करके ले जा सकते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, सभी बन के रेडी हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और मैं इसको आपकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो सुना आपने, कितने क्रंची, कितने करारी बन के रेडी हैं। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये व्रत स्पेशल स्नैक्स है, तो इसको हरी मिर्च के साथ इन्जॉय कीजिए, चटनी के साथ इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारी रेसिपी अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर आपको ये नाश्ता अच्छा लगता है व्रत में खाने के लिए, तो व्रत का ही नाश्ता है। और आपको व्रत में नहीं खाना है तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी बारीक बारीक प्याज काट के डाल सकते हैं, इसमें जीरा डाल सकते हैं। मिक्स करके इसको छान लीजिए, फ्राई कर लीजिए और इन्जॉय करिए चाय के साथ। तो व्रत की चटनी देखना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम इसकी व्रत की चटनी भी लेकर आएंगे, व्रत में खाई जाने वाली चटनी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।